दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ क्यों करवाना चाहिए एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ हम रेंट वाले हाउस में रह रहे हैं अभी, किराए के घर में, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए क्या हालत हो रही है रेंट वाले हाउस की। ऐसे खा जाती है टर्माइट हमारे घरों को, देख सकते हैं आप। वहाँ पर भी देख सकते हैं आप, नीचे सब दूर खा रही है। ये देखिए वहाँ पे भी खा रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर भी खा चुकी है, कितना खोखला कर दिया है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही सब कुछ खा जाती है टर्माइट, इसलिए आप भी करवा लीजिए। अगर नहीं करवाया है, आपका भी नया घर बन रहा है तो करवा लीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, अच्छा ट्रीटमेंट है। ये टर्माइट जो होती है हमारे घरों में कितना नुकसान कर देती है। हमारे जितने भी खिड़की दरवाजे हैं लकड़ी के हैं, उसे खा जाती है। साथ ही अलमारी में हमारी फाइलें रहती हैं, और कितने ही हम उसमें कागजात अवेर के रखते हैं वो भी सारे खा जाती है। सरल भाषा में बोलूँ तो ये हमारे घर को पूरा खोखला बना देती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर नया घर बना रहे हैं तो करवा लीजिए, नहीं तो बाद में रोना ही पड़ेगा। हम भी करवा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचकर ही करवा रहे हैं। क्योंकि इतने अच्छे से हम प्यार से एक एक पैसा इकट्ठा करके और घर बनाते हैं, और वहीं पर टर्माइट हमारा पूरा घर खोखला कर देती है, खा जाती है पूरा, तो कितना दुख होता है। कितना टाइम लगता है घर बनने में, और जब वो बन जाता है और वो ऐसा खोखला कर देती है घर को, तो कैसा लग, आप ही देख लीजिए दोस्तों कैसे करवाया है हमने। पहले ड्रिलिंग मशीन से होल करते हैं 3 इंच का, देख सकते हैं आप सब दूर होल कर रहे हैं। सारी जगह पे होल करते हैं, अभी देख सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन से अच्छे से होल कर रहे हैं। अब देखिए केमिकल मिला रहे हैं 1 लीटर पानी में, प्रीमाइस केमिकल मिला रहे हैं, मिक्स करके अच्छे से हिलाकर, फिर स्प्रे वाली कैन में लिक्विड भरकर जहाँ पर होल किया है वहाँ पर
उस होल में स्प्रे करेंगे। जब भी नया घर बने तभी पहले ही ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि वहाँ हम जब भी मिट्टी का भराव करते हैं तभी उसमें ज़्यादा डर रहता है टर्माइट का। देखिए दोस्तों, मम्मी पापा भी आ गए हैं हमारे प्लाट पे, जाके आए हैं, देख के आ रहे हैं घर कैसा बना है। फिर यहाँ पे आए हमसे मिलने। देखिए आंशी बहुत खुश हो गई है, अब नाश्ता कर लिया है और पापा को काम से जाना था इसलिए जल्दी से ऑफिस से निकल रहे हैं। ये देखिए जा रहे हैं और आंशी पहले से ही निकल गई है, साथ में जाने के लिए बहुत जिद करती है। मम्मी कोई ले दो धूमधाम से ले। देखिए पहले ही जाकर खड़ी हो जाती है। और तो है ना, आते महीने 1,00,000 दे दूंगी। जा रहे हैं, मम्मी बात करने लग गए थे। ये देखिए डोन भी पीछे पीछे जाना चाहता है, गाड़ी पर बैठ कर मम्मी की साड़ी पकड़ रहा था, वो आ रही है, साथ में बैठ कर जाना है उसे। उधर से पीकू भी दौड़ कर आ रही थी, मम्मी बोल रही थी सब आपका परिवार है।